यूपी के रामपुर में राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में आज वृक्षारोपण के महाकुंभ पर अध्यापकों और छात्राओं ने वृक्षारोपण किया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं इस मौके पर प्रचारकों ने अपनी राय मीडिया के सामने रखी और कहा, वृक्ष का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदूषण को खत्म करने में कारगर है ये वृक्ष, इसलिए सभी को वृक्षारोपण करना जरूरी है। रामपुर जिले में करीब 22 लाख वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें हम छात्र छात्राओं की रैली निकालकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज इस वृक्षारोपण के महाकुंभ पर हमारे कॉलेज परिसर में निवर्तमान निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश डॉक्टर पूर्ति गौतम एवं संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज डॉक्टर दिलीप कपूर साहब आए। इन्होंने सहयोग किया, सहभागिता की, वृक्षारोपण किया और राजकीय रजा स्नातकोत्तर नोडल के रूप में है। पूरे जिले में 22 लाख पौधे रोपित किए जा रहे हैं। जो मुझे आई एम वेरी हैप्पी कि आई वाज इनवाइटेड टू बी हियर इन द कॉलेज और यहाँ इस कॉलेज में हाँ मैंने भी वृक्षारोपण किया है। सहजन और यूकेलिप्टस वगैरह के जो प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए हैं और सभी देख रही हूँ कि एक मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम में बहुत संभावनाएं होती है वर्षा ऋतु में, पौधे जो है वो बहुत अच्छी तरह से पनप पाए। वृक्षारोपण और इसके साथ भारत छोड़ो आंदोलन की आज वर्षगांठ भी है और जैसा कि जानकारी मिली है पूरे 22 लाख पौधों का यहाँ पे रोपित किया जाना है। कॉलेजेस को भी एक टारगेट मिला है और ये महाविद्यालय उसमें नोडल के रूप में काम कर रहा है। तो वृक्ष हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो एक ग्लोबल वार्मिंग है और जो वायु प्रदूषण है इनमें इनको दूर करने में इनका सहयोग वृक्षों का वो हमें जानना होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।